एपिलेप्सी या कहें तो सीज़र या कहें तो मिर्गी, ये बच्चों में भी बहुत कॉमन है। हम समझ नहीं पाते कि इसकी ग्रेविटी क्या है। बीइंग अ पेरेंट, और जैसा कि हमारे समाज में माना जाता है कि मिर्गी मतलब जब तान आएगी, हाथ पैर कांपेंगे और बच्चा भी कोई भी बेहोश होगा, तब हम उसे मानते हैं कि ये मिर्गी का दौरा है। मगर मिर्गी के दौरे बहुत प्रकार के होते हैं। बच्चों में पूरी तरीके की, जिसे कहते हैं कि GTCS, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीज़र, यानी कि पूरा बच्चा हाथ पैर कांपे और बेहोश हो गया, ये तो आते ही हैं। मगर इसके अलावा भी बहुत तरीके के सीज़र आते हैं बच्चों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर आपका बच्चा अचानक, जो पहले बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था स्कूल में, अब क्या करता है कि उसकी परफॉर्मेंस स्कूल में गिरती जा रही है, आपको लगता है कि बच्चा मेरे से बात करते करते अचानक अपने ख्याल में खो जाता है एक दो सेकंड के लिए और फिर वापस आ जाता है। वो दिन में सपने देख रहा है, ऐसा आपको लगता है कि मेरी बात को ढंग से नहीं सुन रहा, मैंने जो समझाया है वो ढंग से नहीं समझ रहा, ये सब भी एपिलेप्सी, सीज़र या मिर्गी के लक्षण हो सकते हैं। इसे बोलते हैं एब्सेंस सीज़र, और इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसे यहाँ पे ठीक नहीं करा गया तो बच्चे का आगे का भविष्य पे भी इसका असर पड़ेगा। अगर हम इसे यहीं पे ही कंट्रोल कर लें तो आगे वाले बच्चे का फ्यूचर को बहुत हद तक हम सिक्योर कर सकते हैं, और इसका इलाज है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के मानसिक रूप में, मानसिक विकास में कोई परेशानी आ रही है, आपको लगता है उसके स्कूल में परफॉर्मेंस अचानक गिरने लग गई, आपको लगता है कि वो खेलते खेलते अचानक कभी कभी बेहोश हो जाता है, आपको लगता है कि वो खेलते खेलते अचानक कभी गिर जाता है, भागते भागते अचानक बिना किसी प्रोवोकेशन के गिर जाता है, तो ये सब भी मिर्गी के लक्षण हो सकते हैं। आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए इसके लिए भी। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम एक बार मिलके इस सिम्टम को आप क्लेरिफाई करिए कि क्या ये मिर्गी है या नहीं, जिससे कि बच्चे का भविष्य हम सुरक्षित कर सकें।